तो और मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? जी हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ यार। तो गाइज, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5, और ये वाला GTA 5 का 7th एपिसोड होने वाला है, जिसमें आप ये भी बोल सकते हो कि ये GTA 5 का 7th मिशन होने वाला है। तो यार, आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिस बंदे ने माइकल की फेरेट बोट को चोरी किया था और जिमी को किडनैप किया था, उस बंदे को पकड़ के फ्रैंकलिन ने माइकल को सौंप दिया था, और माइकल ने उस बंदे की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी, और माइकल जस्ट अभी उसी बंदे का गेम ओवर करके अपने घर पे आया है। और घर पर आने के बाद इसको पता चलता है कि अमांडा का बैडमिंटन का कोच घर पर आया हुआ था, क्योंकि माइकल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जैसे ही माइकल अपनी छत पर जाता है, वो बंदा जंप्स करके छत से भाग जाता है, क्योंकि उस बंदे का फिर माइकल की वाइफ के साथ चल रहा था। और ये जो सामने जा रहा भाई रेड गाड़ी में, ये वही बंदा है। तो अभी जल्दी से इसको पकड़ते हैं, और आज इसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इस बंदे को मैंने बहुत बार समझा लिया कि अमांडा से दूर हो, बट ये बंदा भाई बिल्कुल भी नहीं मान रहा। अभी इसके साथ कुछ ऐसा सीन करने वाले हैं, आपको देखकर भाई बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कहां तक भागने वाला ये। और यार, हमारे साथ आजकल पता नहीं क्या स्कैम चल रहा है यार, टाइम को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि डेली 5 शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का टारगेट है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और साथ में ना ही टाइम से वीडियो अपलोड हो पा रही है, क्योंकि यार मैंने एक टारगेट बना लिया था कि डेली 5 शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा और एक लॉन्ग वीडियो, और साथ में लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे यार उतनी जल्दी हमें सक्सेस मिलेगी। और गाइज, मुझे कैसे भी करके 1 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट करने यार 1 जनवरी से पहले। तो गाइज, मेरी तरफ से मैं अपने काम को 1000% दूंगा, बट आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, कुछ परसेंट अपने चैनल को यार। तो गाइज, बात करते करते हम उस बंदे घर पे पहुंच चुके थे, और अभी हम इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाले, और बंदा ऊपर मेरे को दिख चुका, और ये रही भाई वही गाड़ी जिस गाड़ी से वो बंदा भगा था, और मेरे को सामने ऊपर दिखाई दे रहा है साथ से, ये वही बंदा है, और अभी इसको हम छोड़ने नहीं वाले यहाँ पे। तो हम आगे जाके अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, और अभी बताते हैं इस बंदे के साथ अब क्या करने वाले हैं, आप देखते रहना भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है। और गाइज, माइकल ने अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया है, और मेरे साथ आज फ्रैंकलिन भी आया हुआ है, तो एक बार इस बंदे से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि माइकल की वार्निंग देने के बाद भी तुम इसके घर पर क्यों गए, क्या तुम माइकल को अच्छे से जानते नहीं हो, ये पूरे लॉस सैंटोस का सीक्रेट गैंगस्टर है। और गाइज, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि मैं ओनली तुम्हारे घर पर तुम्हारी वाइफ की बैडमिंटन की प्रैक्टिस करवाने गया था, और क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं लॉस सैंटोस के गैंगस्टर मार्टिन मद्राजो की फैमिली का मेंबर हूँ, और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मार्टिन मद्राजो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तो माइकल बोलता है कि मैं नहीं जानता किसी मार्टिन मद्राजो को, होगा कोई सड़क छाप गुंडा। तो ये बोलने के बाद माइकल फ्रैंकलिन को बोलता है कि तुम इसके घर के पाइपों पर ये रस्सी बांध दो और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। अभी इसको बताते हैं कि माइकल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, और ये बंदा भी बोल रहा है कि तुम सोच लो कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचा दिया कुछ भी, तो तुम बचने वाले नहीं हो बिल्कुल भी। और माइकल बोलता है कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मार्टिन मद्राजो को, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ, होगा कोई भाई सड़क छाप गुंडा, तुम अभी बताता हूँ तुम्हें, तो जाओ यहाँ पे जल्दी से। माइकल बोलता है कि फ्रैंकलिन गाड़ी में बैठ जाओ, और मैंने रस्सी तो यहाँ पे बांध दी थी, फ्रैंकलिन बोल रहा था माइकल को, और अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, और फ्रैंकलिन भी बैठ चुका है। अभी बताते गाइस, यहाँ पे फुल एक्सीलेटर दबाते हैं, और इस बंदे को यहाँ पे, ओ भाई साहब झटका तो लगा। तो गाइस, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रेस देनी पड़ेगी हमने, और तभी इस घर को यहाँ पे हम तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे भाई साहब 2 झटके लगे, और दीवारें वगैरह सब कुछ गिरने लगी हैं इसकी घर की। और यहाँ पे थोड़ी सी और रेस देते हैं गाइस, और ये ना हो कि भाई हमारे रेस देने के बाद हम पहाड़ी के नीचे से ना गुजर। ओ भाई साहब, तो गाइस फाइनली इस घर की तबाही कर दी हमने, और उस बंदे की मौत तो पक्की थी भाई, क्योंकि उसने हमसे पंगा लिया था। और यहाँ पे इसका काम तमाम करने के बाद अभी हम अपने घर पे जाने वाले हैं, क्योंकि ये तो भाई यहाँ पे ख़त्म हो चुका है इस बंदे का काम। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने घर की साइड गाइस, आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग वाला काम हो गया है, देख रहे हो, तो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी ना तो भाई पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे हम। ओह वेट 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 भाई सब रुक जाओ, बच गए भाई, बच गए भाई, क्या है भाई ये कुछ ज़्यादा ही। अरे किसका कॉल आ गया, कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है मेरे पास भाई। यार लॉस सैंटोस में पता नहीं बंदे कैसी गाड़ी चलाते हैं यार, हमारे बिल्कुल ही सामने आके खड़ी कर देते। रास्ते में जब उसको पकड़ने लग रहे थे हम, तब भी एक वैन वाला आगे आके रुक गया था, और उसकी वजह से हम उसको फिर कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे पकड़ने में। और अभी उसी बंदे का फ़ोन है मार्टिन मद्राजो का, उनके जो असिस्टेंट थे उनका कॉल आया था, और उन्होंने बोला है कि तुमने ना हमारे घर को तोड़ के बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दिया है, और अभी हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। और उन्होंने भाई हमारे पीछे भाई 2 गाड़ियाँ लगा दी हैं, और ये भाई हमारे ऊपर गोलियाँ बरसाने लग रही है, और गाइस पीछे से 2 गाड़ी आ चुकी है, तो अभी इनको भी भरने वाले हैं हम, इनको भी नहीं छोड़ने वाले। तो गाइस 2 बंदों को तो मैंने लपेट दिया,
और यहाँ पे हमारी गाड़ी की बुरी हालत हो चुकी है गाइस, बहुत ही ज्यादा। तो जल्दी से उन दो बंदे बचे हैं, चार बंदे आए थे, तो दो को और मार देते हम, और उनमें से एक बंदा भी मर चुका है। और अभी एक बंदा बचा यार, उसको गोली लग नहीं रही है, बट अभी भी मर गया वो। अभी जल्दी से चलते हैं। और हमारी गाड़ी की आप हालत देखो कैसी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। और इसको अभी घर पे जाके रिपेयर वगैरह बाद में करेंगे यार। तो अभी अपने घर पे चलते हैं हम, वापस यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा हमें, तो जल्दी से यू टर्न लेते हैं और जल्दी घर पहुँच जाते हैं यार, कहीं रास्ते में और भी ज़्यादा बंदे ना आ जाए यार, फिर हमारे बढ़िया तरीके से लग जाएंगे, है ना। तो यार मेरे को ना चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओ भाई क्या ही बचाऊँ इस गाड़ी से, अगर इसमें ही भिड़ जाती फिर तो क्या पता हमारी गाड़ी में से धुआं निकलने लग जाता, और यहीं पे रुक जाती गाड़ी तो फिर हम घर पे भी, ओ भाई बच गया, घर पे भी नहीं पहुंच पाते यार। तो अब फाइनली हम हमारे घर पे आ चुके हैं, अभी हमारा गेट ओपन हो रहा है। अभी जल्दी से यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और गाड़ी से नीचे उतरते हैं। और गाइज अब पूरी तरह से फ्रैंकलिन माइकल की गैंग का मेंबर बन चुका था, और माइकल फ्रैंकलिन को बोल रहा है कि फ्रैंकलिन तुम बंदे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, कोई भी काम करते हो तो बिल्कुल अच्छे से मन लगा कर करते हो। और गाइज यहाँ पर फ्रैंकलिन और माइकल मार्टिन मद्राजो के बारे में बात ही कर रहे थे कि कौन है ये मार्टिन मद्राजो, तो तभी माइकल के घर पर ढेर सारी गाड़ी आ जाती है। गाइज माइकल फ्रैंकलिन से बोलता है कि ये कौन आ गए अपने घर पर, फ्रैंकलिन माइकल को बोलता है कि यही है मार्टिन मद्राजो, लॉस सैंटोस का बिजनेसमैन और गैंगस्टर भी। और यहाँ पर मार्टिन मद्राजो फ्रैंकलिन को बोलता है कि माइकल को तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और अपना लाइसेंस दो मुझे। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन अपना लाइसेंस निकाल कर मार्टिन मद्राजो को दे देता है, और मार्टिन मद्राजो फ्रैंकलिन का लाइसेंस अपने पास रख लेता है। तो यहाँ पर मार्टिन मद्राजो बोल रहा है कि माइकल तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और साथ में तूने मेरा पूरा $1 million का हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया है, तूने मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया है। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन माइकल को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्रैंकलिन को मार्टिन मद्राजो के बारे में बहुत सुना है, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है। तो फ्रैंकलिन बोल रहा है कि माइकल को तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर देंगे धीरे धीरे। बट मार्टिन मद्राजो बोल रहा है कि भरपाई तो तुमने करनी पड़ेगी, और तुम कहीं पर भाग भी नहीं सकते, और जो तुमने उस बंदे को मारा है ये उस चीज का इनाम मैं तुझे देने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो मेरा जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। और यहाँ पर मार्टिन मद्राजो ने माइकल को कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है, जिससे माइकल जमीन पर गिर गया। और अब मार्टिन मद्राजो माइकल को बोल रहा है कि तुम मुझे 1 week के अंदर $2.4 million अरेंज करके दोगे, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को किडनैप कर लूंगा और बहुत खतरनाक तरीके से टॉर्चर करूंगा। तो यहाँ पर माइकल बोल रहा है कि $2.5 million वो भी 1 week के अंदर मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। तो मार्टिन मद्राजो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता तुम कहीं से भी लेकर आओ, बट मुझे मेरे पैसे 1 week के अंदर चाहिए, वरना तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, तुम उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो ऐसा बोलकर मार्टिन मद्राजो यहाँ से चला जाता है, और फ्रैंकलिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उन बंदों के पास अपनी खुद की गैंग थी। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन माइकल को बोलता है कि हम अब $2.5 million अरेंज कैसे कर पाएंगे, वो भी 1 week के अंदर। तो माइकल फ्रैंकलिन को बोलता है कि हमारे पास बस अब एक ही रास्ता बचा है, वो है लेस्टर, हमें लेस्टर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और वही हमें कुछ प्लान बताएगा कि $2.5 million को कैसे अरेंज करना हमें। तो गाइज ये वाला एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अब लेस्टर के पास जाने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर कर लेना मेरे भाई, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।